शालिग्राम और राज्यसभा, इसके अलावा नहीं? बस तो यही बहुत सर। आज यहाँ पे शालिग्राम आया है, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था, उसकी पूजा अर्चना आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इटावा में निर्मित विशाल देवों के देव भगवान शिव शंकर के जो विशाल मंदिर निर्मित हो रहा है, उस निर्मित के मंदिर के में स्थापित होने वाले भगवान शालिग्राम की पत्थर से शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। हमें खुशी है ये बताते हुए कि नेपाल से होते हुए शालिग्राम का वो शिला आज यहाँ पर आएगा और यहाँ से इटावा जाएगा, जहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। उसकी आज हम सब पूजा अर्चना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो विश्व को, देश को शांति दें, सुख दें, समृद्धि दें, समरसता दें, समता दें। उसके आज पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर 11 बजे रखा गया। राज्यसभा का भी नॉमिनेशन आज करने जा रहे हैं। 12:50 पे हम लोग करेंगे और 12:50 पे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से लोग समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन कर रहे हैं। राजीव चौधरी यादव, उन्होंने नाम बताया, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन और उसके अलावा जय बच्चन। तो लोगों का कहना यह है कि इसमें पीडीए नजर नहीं आ रहा है, जो नारा था समाजवादी पार्टी का। रामजी लाल सुमन जी पीडीए के अंग हैं, इसमें कोई वो नहीं, और वो एक महिला हैं। जय बच्चन जी देश की विख्यात परिवार की हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरा पीडीए है इसमें। बयानबाजी करते हैं, आपको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। ठीक है ठीक है।